सर्वेभ्यः नमो नमः। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमने इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा शब्द रूप के बारे में जाना था। आज मैं आप लोगों के सामने सर्वनाम शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व आदि की सर्वनाम संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द हैं वे सभी सर्वनाम कहलाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमारे द्वारा किम प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए किम क्या या किम कौन, के तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द रूप पड़े हैं। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने तत्, तत् मतलब वह या उस सर्वनाम लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसका हम पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे, पुल्लिंग। वस्तुतः तत् जो सर्वनाम है यह दूर स्थित व्यक्ति के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लड़का, वह लड़का, वह लड़का जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इसका पुल्लिंग रूप पढ़ेंगे। और इस सार्वनामिक विशेषण है ये, सर्वनाम के आधार पर जिसकी विशेषता बताई जाती है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसकी गणना सार्वनामिक विशेषण में होती है। तो तत्शब्द के हम पुल्लिंग रूप अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सह, तौ, ते, प्रथमा, तम, तौ, तान, द्वितीया, तेन, ताभ्याम, तैः, तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयोः, तेषु, सप्तमी। जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप है, चाहे वो अकारांत हो, चाहे वो इकारांत हो, उकारांत हो, रेकारांत हो, जितने भी ये अजंत वाले हैं, हलंत वाले भी, चाहे पकारांत, मकारांत, तकारांत, जकारांत, जितने भी हलंत शब्द रूप है, जो पुल्लिंग जो शब्द रूप है उनके स्थान पर आप इस तत् शब्द सर्वनाम पुल्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द लेते हैं। बालक, बालकौ, बालका, प्रतिमा। तो सह, तौ, ते, बालकः पठति। प्रश्न करेंगे कः पठति, बालकः पठति। लेकिन हम अब उलझन यह है कि कः बालकः, एषः, सः। तो सः बालकः, सः पठति, बालकः पठति, सः नृत्यति। कः नृत्यति? सः नृत्यति। बालकः पठति, सः पठति। बालकौ पठ, बालकौ पठतः, तौ पठतः। के पठन्ति? बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति। सः गायति, तौ गायतः, ते गायन्ति, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकं, तं, तं बालकं। तौ, तौ बालकौ। तान, तान बालकान्, तान बालकान्। तेन, तेन बालकेन, केन बालकेन, तेन बालकेन। ताभ्याम, बालकाभ्याम। ते, तैः, बालकैः। तस्मै बालकाय, तो प्रश्न बनेगा कस्मै बालकाय? तस्मै। ताभ्याम, बालकाभ्याम। तेभ्यः, बालकेभ्यः। तस्मात्, बालकात्। तस्ताभ्याम, बालकाभ्याम। तेभ्यः, बालकेभ्यः। तस्य, बालकस्य। तयोः, बालकयोः। तेषां, बालकानां। तस्मिन्, बालके। तयोः, बालकयोः। तेषु, बालकेषु। तो ये मैंने अकारांत बालक शब्द के रूप आप लोगों को बताया है। ऐसे अकारांत जितने भी शब्द हैं, देव है, राम है, गज है, सिंह है, काक है, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनके स्थान पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न भी हम बना सकते हैं। बालकः पठति, सः धावति।
कह दावते सह दावते कौ दावतः तौ धावतः के धावन्ति ते धावन्ति कम कम अहम तम आवयामि अहम कम आवयामि तम आवयामि कौ तौ कान तान प्रश्नम किम शब्द का जो पुल्लिंग है उसी से प्रश्न करेंगे यहाँ पर केन तेन तेन बालकेन केन बालकेन तेन बालकेन काव्याम ताव्याम कैहि तैहि कस्मै तस्मै काव्याम ताव्याम केभ्यः तेभ्यः बालकेभ्यः कस्मात् तस्मात् वृक्षात् कस्मात् वृक्षात् तस्मात् वृक्षात् काव्याम ताव्याम केभ्यः तेभ्यः कस्य तस्य बालकस्य कस्य बालकस्य तस्य बालकस्य तयोः कयोः तेषां केषां तस्मिन् कस्मिन् तस्मिन् ग्रामे वृद्धः निवसति कस्मिन् ग्रामे वृद्धः निवसति तस्मिन् ग्रामे कयोः तयोः केषु तेषु बालकेषु तेषु वृद्धेषु ते अकारान्त पुल्लिङ्गे ईकारान्त पुल्लिङ्गे सः कविः तौ कवि ईकारान्त पुल्लिङ्ग ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द कः कविः सः कविः कौ कवि तौ कवि के कवयः ते कवयः कम कवीं तम कवीं कौ तौ तौ कवि कान तान कवीन केन तेन कविना काव्यां ताव्यां कविभ्यां कैहि तैहि कविभिः कस्मै कस्मै तस्मै कवये नमः काव्यां ताव्यां कविभ्यां नमः तेभ्यः केभ्यः तेभ्यः कविभ्यः नमः कस्मात् तस्मात् कवेः अहं पुरस्कारं प्राप्नोमि ताव्यां काव्यां ताव्यां कविभ्यां केभ्यः तेभ्यः कविभ्यः दूर के लिए इनका प्रयोग तत् शब्द का दूर के लिए प्रयोग किया जाता है तस्मात् कवेः ताभ्यां कविभ्यां तेभ्यः कविभ्यः तस्य कस्य तस्य तस्य कवेः नाम कालिदासः तयोः कयोः तयोः तयोः कव्योः केषां तेषां कवीनां कस्मिन् तस्मिन् तस्मिन् कवौ कयोः तयोः तयोः कव्योः केषु तेषु कवीषु तेषु कवीषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। तो यहाँ पर कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द उकारांत है गुरुः गुरु सह गुरुः तौ गुरु ते गुरवः तं गुरुं तौ गुरु तान गुरून तेन गुरुणा ताभ्यां गुरुभ्यां तैः गुरुभिः तस्मै गुरवे नमः ताभ्यां गुरुभ्यां तेभ्यः गुरुभ्यः तस्मात् गुरोः ताभ्यां गुरुभ्यां तेभ्यः गुरुभ्यः तस्य गुरोः नाम तस्य गुरोः नाम गीताराम शर्मा। ठीक है, मम गुरोः नाम कस्य गुरोः नाम मम, तो ये अलग रूप है, लेकिन अगर किसी का संबंध बताना हो तस्य गुरोः नाम। ठीक है, तयोः कयोः तेषां गुरुणां तस्मिन् तस्मिन् गुरौ अहम् विश्वसिमि, उस गुरु पर मेरा विश्वास है। तस्मिन् गुरौ तयोः गुरवोः तेषु गुरुषु। ठीक है, उकारांत हो गया, रीकारांत पिता सह पिता अस्ति, तौ पितरौ स्तः ते पितरः सन्ति, अहम् तम पितरं नमामि, तम कम पितरं तम पितरं, अहम् तौ पितरौ नमामि, कौ पितरौ नमामि तौ पितरौ, अहम् तान पितरीन नमामि, अहम् कान पितरीन नमामि तान पितरीन नमामि, केन तेन तेन पित्रा सह अहम् गच्छामि, तेन पित्रा सह उसके पिता के साथ। ठीक है, ताभ्याम पितृभ्याम तैः पितृभिः तस्मै अहम् तस्मै तस्मै पित्रे
भोजनं ददामि। ताभ्यां पितृभ्यां तेभ्यः पितृभ्यः तस्मात् पितुः अहं तस्मात् पितुः शिक्षां प्राप्नोमि। ताभ्यां पितृभ्यां तेभ्यः पितृभ्यः तस्यः पितुः नाम गणेशः। तयोः पित्रोः तेषां पितॄणां तस्मिन् पितरि तयोः पित्रोः तेषु पित्रेषु पितृषु तेषु पितृषु। तो हमने पुरलिंगवाची जितने भी शब्द हैं उनके स्थान पर जब हम इनको इनका रूप जब रख देते हैं तो उस सर्वनाम का रूप ले लेते हैं। सर्वनाम शब्द है। इन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। और जितने भी पुरलिंगवाची जो शब्द हैं उनके स्थान पर हम जब तत् पुरलिंग शब्द रखते हैं तो यह उनके सर्वनाम वाची विशेषण भी हो जाते हैं। विशेषण मत इनका प्रयोग होता है। यह विशेषण के समान कार्य करते हैं। सह पिता आगच्छति वह पिता आता है। कह पिता आगच्छति सह तो सह सह होगा विशेषण। तव भी विशेषण ते ये सब विशेषण मत इनका प्रयोग किया जाएगा। आइए अब हम और कुछ इसके बारे में जानते हैं। विशेषणम पूरियत वस्तुतः विशेषण मत इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है विशेषणम पूरियत। तो इसके लिए आप लोगों को शब्द रूप याद होना चाहिए। बालकाय कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। बालक शब्द अकारांत पुरलिंग। बालकः बालको बालकाः प्रथमा। बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी। तो तत् शब्द का पुरलिंग का क्या होगा? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तैः तस्मै। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा तस्मै। ठीक है, ये हो जाएगा तस्मै बालकाय। तस्मै बालकाय उस बालक के लिए। हरिणा हरि शब्द के रूप हरि हरि हरयः प्रतिमा। हरिम हरि हरिण द्वितीया हरिणा तृतीय विभक्ति का एक वचन। सह तौ ते तम तौ तान तेन। तो यहाँ पर तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये तेन यहाँ आ जाएगा तेन हरिणा तेन हरिणा। भ्रातरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। पितृ शब्द के समान रूप चलेंगे। पिता पितरौ पितरः प्रथमा। पितरम पितरौ पितृन द्वितीया। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः प्रथमा भ्रातरम। तो सह तौ ते तम यहाँ आ जाएगा तम। ठीक है, अगला है बालवोः। बानु शब्द षष्ठी पंचमी और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। बानवोः यहाँ पर तयोः तस्मात् तो यहाँ पर तयोः लिखा हुआ है। तो तयोः बानवोः तयोः बानवोः। नरेषु तेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तेषु वृद्धेभ्यः क्या हो जाएगा यहाँ पर तेभ्यः। कवीन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तान। मुनये चतुर्थी विभक्ति का एकवचन। हरि हरि के समान रूप चलेंगे। तो मुनि का चतुर्थी विभक्ति का एकवचन चतुर्थी का एकवचन मुनये। तो तस्मै आप लोगों को जब किम सर्वनाम शब्द के रूप हम लोगों ने पढ़े थे तब बताया था कि सर्वनाम शब्दों के जो रूप चलते हैं केवल प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ही रूप चलते हैं। सर्वनाम की संबोधन विभक्ति नहीं होती है। सर्वनामों में संबोधन विभक्ति नहीं होती है। तो ये हमने विशेषण के समान इनको भरा है। आइए अब हम और कुछ जानते हैं। प्रश्न नंबर दो है विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन आप लोगों को लिखना है। इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन यहाँ पर आया हुआ है? तो हम जब तत्शब्द के पुरलिंग के सर्वनाम के शब्द रूप जब आप जान लेते हैं तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। सह प्रथम विभक्ति का एक वचन है सह। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रथम विभक्ति का प्रथमा विभक्ति एक वचनम एक वचनम एक वचनम। तेन वो बोलेंगे सह तौ ते
तम तो तान तेन, कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ पर? तृतीया, तृतीय विभक्ति का एक वचनम, तृतीय विभक्ति एक वचनम। तम सह तो ते तम, कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया विभक्ति एक वचनम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तयो हो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैहि तस्मे ताभ्यम तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। कौन कौन सी भक्ति यहाँ पर? षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी भक्ति का द्विवचन। तेषां तय तस्य तयो हो तेषां, तो षष्ठी का षष्ठी भक्ति बहुवचनम। तेभ्यः सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तो चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचनम। अगला है तान सह तौ ते तम तौ तान, तो द्वितीय का बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम। तस्मै सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तैः तस्मै, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम, चतुर्थी एक वचनम। तस्मात् पंचमी विभक्ति का एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार के इनके आपको जब पद परिचय जब देना होता है तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते, याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको याद होना चाहिए। तत्शब्द पुल्लिंग दूर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सभी पुल्लिंगवाची जितने भी शब्द हैं, पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं उनके स्थान पर यह दूर के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। वह हिंदी में उसने है ना, उसको उसके द्वारा, एक वचन बता रहा हूँ मैं, उसके लिए उससे उसका उसका के की उस पर, ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम और कुछ अभ्यास करते हैं इसके बारे में। वाक्य प्रयोगम कुरु तत्र भ्रमन्ति, तो वाक्य में प्रयोग करना है आप लोगों को। तत्र भ्रमन्ति, भ्रमन्ति घूम रहे हैं, तो प्रथम विभक्ति में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। सह तौ ते, यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्रिया, तो सह तौ ते प्रथम विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा। ते ते भ्रमन्ति, क्या हो जाएगा? ते भ्रमन्ति। जनाः भिक्षुकेभ्यः भोजनं ददति, लोग भिखारियों के लिए भोजन देते हैं। तो भिक्षुकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, तो यहाँ पर हमें तेभ्य या तस्मात, ये तेभ्य में चतुर्थी बहुवचन है, तस्मात में पंचमी एक वचन है। विशेषण वत भी इनका, विशेषण वत इनका प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा तेभ्यः। पुस्तकस्य चित्रम अस्ति, तस्य पुस्तकस्य चित्रम अस्ति, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, तस्य पुस्तकस्य चित्रम अस्ति। वयम जनान जानीमः, हम सभी लोगों को जानते हैं। वयम जनान जानीमः, जनान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तान, तो यहाँ हो जाएगा तान। ऐसा जनानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इसके क्योंकि विशेषण पद प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेषाम, तेषाम जनानाम। प्यारे मित्रों विद्यार्थियों, ये आप लोगों को समझाने की छोटा सा प्रयास है। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं, लाइक करके बताएं, और आप लोगों से विनती यह है कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। पुनः नए वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।